आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नीलम्स रसोई पर। चलिए आज बनाते हैं खट्टा मीठा टेस्टी चिवड़ा। इसे बनाकर आप स्टोर करके रख कर महीना भर खा सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने आधा किलो पतला वाला चिवड़ा लिया है, जो पेपर के जैसा पतला होता है वो वाला चिवड़ा है ये। इसे हम धीमी गैस पर तब तक भूनेंगे जब तक ये एकदम कुरकुरा ना हो जाए। इसे भूनते हुए मुझे 7 से 8 मिनट हो गए हैं। अब ये अच्छे से कुरकुरा हुआ है कि नहीं ये चेक करने के लिए हम थोड़ा सा हाथ में लेके इस तरीके से मस लेंगे तो इसका एकदम चूरा बन जाएगा। इसका मतलब ये अच्छे से भुना गया है। इसे किसी थाली में निकाल लेंगे, बाकी का जो है उसे भी हम भून लेंगे। ये मैंने 100 ग्राम मूँगफली लिया है। इसे धीमी गैस पर तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये अच्छे से क्रंची ना हो जाए। ये मैंने 50 ग्राम भुना हुआ चना लिया है, इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। ये मैंने 50 ग्राम काजू लिया है, इसे मैंने 2 टुकड़े में कर लिया है। आप चाहें तो इसे अक्खा भी डाल सकते हैं। इसे तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये सुनहरा ना हो जाए। 50 ग्राम मैंने सूखा नारियल लिया है, इसे पतला पतला काट लिया है, इसे भी फ्राई कर लेंगे। ये मैंने कुछ करी पत्ते लिए हैं, इन्हें अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि एकदम क्रिस्पी हो जाए, करी पत्ता कच्चा ना रहे, क्योंकि नमकीन को अगर हम 10 से 15 दिन भी रखेंगे तो करी पत्ते में फंगस लग जाएगा, इसलिए एकदम इसे अच्छे से फ्राई करना है। इसी के साथ मैंने लिया है 7 से 8 हरी मिर्च, इसे भी अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि एकदम क्रंची हो जाए। कलछी में डालेंगे 2 बड़ा चम्मच तेल, 1 बड़ा चम्मच बारीक वाली सरसों, 1 बड़ा चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच हींग, 1.5 चम्मच हल्दी पाउडर। इन्हें थोड़ी देर भूनकर चिवड़ा में मिला लेंगे। अब इसमें मिलाएंगे स्वाद के अनुसार नमक, 2 बड़ा चम्मच पिसी हुई चीनी, 1 बड़ा चम्मच चाट मसाला। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। खट्टा मीठा तीखा चिवड़ा बनकर तैयार है। आप इसे बनाकर किसी एयर टाइट कंटेनर में भर के रख लीजिए, महीना भर एंजॉय करिए। आप भी बनाइए, खाइए, अपने अनुभव नीलम्स रसोई पर शेयर कीजिए और ऐसी अपकमिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू नीलम्स रसोई एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।